اللہ کریم نے فرمایا ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله هي اموات بل احياء ولكن لا تشعروا اللہ کریم نے فرمایا جے میری راج مر جان جے شہید ہو جان نہ مردا نہ اکھیا جے इमामे अली मुकाम तिलावत फरमा रहे जेरे वे कन लगा के सुनिया आवाज आंदी है आ पढ़ ने वसया रब लजी जलहु अयम कलबी अलबून आ बे साहिब मुबारक तिलावत पे कर देने इमामे अली मुकाम ने दसा कायनात वालियो मेरा रब दी कुरान किताब सच्ची है देखो मैं नजर नोक ते चल के कुरान पे पढ़ना वा मैं शहीद भी जे मैं जिंदा भी फरमाया मैं शहीद भी हां मैं जिंदा भी हां अल मुख्तसर इमाम अली मुकाम दा दो या तीन मुहर्रम अल हराम नु काफिला करबला चला गया तीन मुहर्रम अल हराम तो लेके सात मुहर्रम अल हराम तक आप दे इब्ने ज़ियाद दे नाल मुज़ाकरात चल रहे ने सात मुहर्रम अल हराम तो लेके दस मुहर्रम अल हराम तक आप दे पानी बंद किया गया तीन मुहर्रम अल हराम तो लेके सात मुहर्रम अल हराम तक कदी शहजादा कासिम जान दे ने कदी अब्बास जान दे ने नहरे फिरात पानी लैन यजीदिया ना जरपन हो जाती है आप पानी लेके वापस आ जाते हैं जेरे वेले दस मुहर्रम अल हराम का दिन आया और जालिम यजीद कह लगे इसे हुसैन ते पानी बंद कर दिया जी इसे छोटे छोटे बच्चे तरपन गए ना सैयदा सकीना तरपेगी अली असगर तरपेगा ए हुसैन मजबूर होकर साडी बैत कर लवेगा पर उन्होंने की पता जालिमान हुसैन के वजूद अंदर अली का भी खून है नबी का भी खून है और जालिमान ने की पता है और जालिम कहने लगे असा पानी बंद कर दिता है तो इमाम अली मुकाम ने फरमाया जालिमो तुसा पानी बंद कर दिता है फिर असा भी रोजे ही रख लिया है असा भी तीन दिन का एक था रोजा रख लिया है अज मैं जे शहीदां दे विचों एक शहीद का जिक्र करना है जिन्हों सिकाई अहले बैत भी आख्या जाता है जिन्हों वफाद आलमबरदार भी आख्या जाता है जिन्हां दा नाम हजरत सैयदना गाजी अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो है आप जेरे वेले आप दा थोड़ा जिहा समात फरमा तारुफ हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आप दी जेड़े वाले अहलिया सैयदा फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा विशाल कर गई आपने तकरीबन 10 साल बाद जाके शादी की कबीला किलाबिया के अंदर शादी की कबीला किलाबिया ने जेड़ी आप औरत पेश की शादी वास्ते ओदा नाम भी फातिमा सी ओदा नाम भी फातिमा है जिरा उन्हें लकब मिलिया उम्मुल बनीन दा हजरत फातिमा किलाबिया उम्मुल बनीन उन आख देने पुत्रा दी माँ यों दी है पुत्रा दी माँ वाख देने हजरत फातिमा किलाबिया उम्मुल बनीन जिरे वाले शादी करके मौला अली दे पहले रात गर्भ आ गई हैं तो आपने सारे बच्चों इकट्ठा बिठा लिया इमाम हुसैन भी बैठे ने इमाम हसन भी बैठे ने आप दिया हमशीरा भी बैठिया ने आपने फरमाए बच्चों ए ना समझिया जे कि मैं तुहाडी सतेली मां वा ना ना मैं ते तुहाडी अम्मी ज़ारा दे गुलाम बन के आई हां मैं गुलाम बन के आई हां
हजरत फातिमा की लब्य उम्मुल बनी, फिर उस औरत ने माँ बन के बच्चे नु पालिया। अल्लाह करीम ने एक सोना जा पुत्र अता किया। मौला अली ने पता चलिया ना कि अल्लाह ने एक सोना जा पुत्र अता किया, तो आप जल्दी घर वापस आ गए। फरमाया फातिमा लिया मेरा पुत्र मेरी जोली दे दे। हजरत फातिमा की लाबिया उम्मुल बनीन ने अपना पुत्र उठा के मौला अली की गोद अंदर रख दिया। आपने गुर्त भी अता की थी, अजान भी पढ़ी, तो फरमाए ऐदा नाम में अब्बास रखे आए। अहले लुगत वाले इरशाद फरमान अब्बास उस शेर नु आख देने जे सारे शेरा नालो ताकतवर होंदा है। अब्बास उस शेर नु आख देने जे बब्बर शेर होंदा है। आपने ना अपने पुत्र का नाम अब्बास रखिया। हजरत इमाम अली मकाम एक दिन अपने वीर नु वेखण वास्ते आए, तो हजरत मौला अली ने फरमाया ए हुसैन ए अब्बास पुत्रा तेरा वीर भी है ते तेरा मुरीद भी है। हजरत इमाम अली मुकाम ने पेशाने ते बोसा दिता। एक दिन ना हजरत मौला अली अपने पुत्र की तरबियत फरमाते बाजू पे चुम देने। हजरत फातिमा की लबिया उम्मुल बनीन आपने देखा थे, आपने अर्ज की हुजूर तुसा प्यार कर दो गल समझ आंदी है, ए बाजू क्यों पे चुम दे। तो आपने फरमाया फातिमा जे दुखी ना होवे तो मैं तेरे पुत्र दी आज शहादत दी बशारत दे देना वा। ए तेरा पुत्र मेरे पुत्र हुसैन दिया रखिया कर शहीद हो जाएगा। अब अपने पुत्र ने करीब बिठाया था फरमाने पुत्र आत्म में दीन परावा आत्म में गिनती सिखावा। आप फरमाने पुत्र पर अव्वल अब अव्वल अव्वल कहते कहते एक याद कर लिया। तो आपने फरमाए पुत्र पर दो। हजरत अब्बास चुप। फरमाए पुत्र पढ़दा नहीं। तो हजरत अब्बास ने अर्ज की बाबा जी जेरी जुबान एक कह बैठा उन्हें दो कहते हया उन्हें दो कहते हया आपनू जे वेले सिका अहले बैत भी आखे जांदा है सिका साकी जन पानी पिलाने वाला जेरे वेले तीन मुहर्रम उल हराम तो लेकर सात मुहर्रम तक तो आप पानी नहीं आ रहा। उस वेले भी हजरत अब्बास संजर पानी लेके हुजूर अहले बैत में पिलान दे सन। वक्त भी मुख्तसर है, मैं जल्दी जल्दी अपने हाजिर समाज कर नामा। हजरत अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु आप जेरे वेले दस मुहर्रम उल हराम दा दिन आ गया, शहादतां दा सिलसिला शुरू होया। नौजवान जेरे वेले हजरत अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु दस मुहर्रम उल हराम दा दिन आ गया, इमाम अली मुकाम दे नाल नाल ने मेरे इमाम ने अलहू अपने हजरत अब्बास हथ च पकड़ा दिता। हजरत अब्बास मेरे इमाम दी इंजे राखी पे कर देने, इंजे राखी पे कर देने जिवें लोग कबतुल्लाह दा तवाफ कर देने। हजरत अब्बास मेरे इमाम दे नाल नाल ने इमाम अली मुकाम ने फरमाया ना अब्बास ना ना। हजरत अब्बास दस मुहर्रमुल हराम दी जे वेले दोपहर दा वेला आ गया मेरे इमाम दे खेमे च चले जांदे ने। अर्ज करदे लजवाला मैनू जान दी इजाजत दे दे आज मेरे इमाम ने फरमाया ना अब्बास ना ना। तू मेरा वीर है मैं तेनू जान दी इजाजत नहीं दे सकदा। हजरत अब्बास रजी अल्लाह तआला नो जेड़े वाले इमाम अली मुकाम दे खेमे च वापस आ गए। हुण खेमे च एवें दा मंजर बनिया सारे अहले बैत रसूल दे बड़े सैयदा सकीना दे सामने बैठ गए। अर्ज करदे सकीना तू अपने बाबे दी बड़ी लाडली है, जाए अपने बाबे नु आखर बाबा जी अज तीन दियारे गुजरे ने तुहाडी सकीना पानी नहीं पीता। सैयदा सकीना ने अर्ज की वे खबरदार मेरे बाबे नु भोजन आया क्या जे मेरे अबू अगे बड़े परेशान ने मेरे बाबे नु भोजन आया क्या जे। हजरत सैयदा रजी अल्लाह तआला ने फरमाया ने वैसे ते मामले चाचे अब्बास दी भी बड़ी लाडलिया मैं अपने पास नहीं आखनी हूँ चाचा जी प्यास लगी पानी भी ला दे आज। सैयदा सकीना जर वाले टुनिया टुनिया हजरत अब्बास खमे दे दरिया आ गई। आपने अर्ज की चाचा जी मैं सुनिया है असि हो जाए को सारे सौ। हजरत गाजी अब्बास ने फरमाया हाँ सकीना वो तेरा ही नाना है तेरा हो जाए को सारा वारी से। सैयद
ਦਾ ਸਕੀਨਾ ਨੇ ਅਰਦ ਕੀਤੀ ਚਾਚਾ ਜੀ ਫਿਰ ਅੱਜ ਤਿੰਨ ਦਿਹਾੜੇ ਗੁਜ਼ਰੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕੀਨਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀਤਾ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬਾਸ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਨੇ ਸਕੀਨਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾ ਦੇਵਾ ਤੇ ਬਾਬਾ ਮੈਨੂੰ ਜਾਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਸੈਯਦਾ ਸਕੀਨਾ ਨੇ ਅਰਦ ਕੀਤੀ ਚਾਚਾ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੈਂ ਲੈ ਦੇਣੀ ਆ ਮੇਰੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਦੁਪੱਟਾ ਰੱਖ ਮੇਰੇ ਬਾਬਾ ਦੇ ਖੇਮੇ ਚ ਲੈ ਜਾਇਆ ਜੇ ਹਜ਼ਰਤ ਗਾਜ਼ੀ ਅਬਾਸ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਇਮਾਮ ਅਲੀ ਮੁਕਾਮ ਦੇ ਖੇਮੇ ਚਲੇ ਗਏ ਇਹ ਮੇਰੇ ਇਮਾਮ ਦੇ ਖਰਮੇ ਅਬਾਸ ਕੀ ਲੈਣ ਆਇਆ ਹੈ ਸੈਯਦਾ ਸਕੀਨਾ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਦੁਪੱਟਾ ਉਤਾਰਿਆ ਸੈਯਦਾ ਸਕੀਨਾ ਨੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਵਾਹ ਵਾਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕੀਨਾ ਫੜ ਜਾਏਗੀ ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਦਿਆਲੇ ਗੁਜ਼ਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕੀਨਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀਤਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਚਾਚੇ ਬਾਸ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿਆ ਜੇ ਡਾਕ ਪਾਣੀ ਲੱਗਿਆ ਜਾਨ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕੀਨਾ ਮਾਰ ਜਾਏਗੀ ਮੇਰੇ ਇਮਾਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਨੀ ਸਕੀਨਾ ਨਿਤਿਆ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜਿਵੇਂ ਅਕਬਰ ਤੇਰਾ ਵੀਰ ਹੈ ਬਾਸ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਹੈ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਅਕਬਰ ਦੀ ਜੁਤਾਈ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਜਾਣੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਾਸ ਦੀ ਜੁਤਾਈ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਜਾਣੀ ਨਿਤਿਆ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸਯਦਾ ਸਕੀਨਾ ਜ਼ਾਰੋ ਕੇ ਤਾਲ ਪਏ ਰੋਂਦੀਆਂ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬਾਸ ਨੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਲਜਮਾਲਾ ਹੁਣ ਜਾਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦੇ ਆ ਜੇ ਸਕੀਨਾ ਰੋਂਦੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਮੇਰੇ ਇਮਾਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਜਾਏ ਅਬਾਸ ਤੈਨੂੰ ਮੰਨਾਂ ਨੇ ਮੁਸਤਫਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਯਦਨਾ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬਾਸ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਕੇ ਆ ਗਏ ਸਯਦਾ ਜ਼ੈਨਬ ਦੇ ਖੇਮੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਏ ਆਪ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਬਾਜੀ ਜਨ ਮੈਂ ਟੁਰ ਚੱਲਿਆ ਵਾ ਬੋਲਿਆ ਚੱਲਿਆ ਮਾਫ ਕਰਿਆ ਸੈਯਦਾ ਜ਼ੈਨਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਜਾ ਵੀਰਾ ਤੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਮੁਸਤਫਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਏ ਸੈਯਦਾ ਸਕੀਨਾ ਛੱਡ ਕੇ ਵਸ਼ਕ ਸੰਗਰਾ ਦਿੱਤੀ ਅਰਦ ਕੀਤੀ ਚਾਚਾ ਦੀ ਇਹਦੇ ਚ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਜੇ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬਾਸ ਨੂੰ ਮਸ਼ਕੀਦਾ ਵਸ਼ਕ ਕੰਨੇ ਨਾਲ ਲਟਕਾ ਲਿਆ ਆਵੇਂ ਫਰਮਾਇਆ ਨੇ ਸਕੀਨਾ ਮੇਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਈ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਸੈਯਦਾ ਸਕੀਨਾ ਨੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਚਾਚਾ ਜੀ ਦੱਸੋ ਵਾਦਾ ਕਰੋ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵੋਗੇ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬਾਸ ਨੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਫਰਮਾਇਆ ਜੇ ਸਕੀਨਾ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹਜ਼ਰਤ ਸੈਯਦਾ ਸਕੀਨਾ ਨੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਚਾਚਾ ਜੀ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਵਾ ਦਾ ਮੁਕਾ ਜੇ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬਾਸ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਨੇ ਸਕੀਨਾ ਤੇਰਾ ਚਾਚਾ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਅਭੀ ਕੋ ਤੇ ਕਰਾਰ ਦਾ ਬੜਾ ਪੱਕਾ ਏ ਜੇ ਸਕੀਨਾ ਮੇਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਈ ਹਜ਼ਰਤ ਸੈਯਦਾ ਸਕੀਨਾ ਨੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਚਾਚਾ ਜੀ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਾਦਾ ਪੱਕਾ ਜੇ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬਾਸ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਨੀ ਸਕੀਨਾ ਅੱਜ ਪਾਣੀ ਆਵੇਗਾ ਜੇ ਪਾਣੀ ਨਾ ਆਇਆ ਤੇਰਾ ਚਾਚਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਵੇ ਨਿਧੀਏ ਅੱਜ ਪਾਣੀ ਨਾ ਨਾ ਆਇਆ ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਚਾਚਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ ਹਜ਼ਰਤ ਗਾਜ਼ੀ ਅਬਾਸ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਨਹੁ ਆਪ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਕਰਬਲਾ ਜਾਵਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਮੇਰੇ ਇਮਾਮ ਨੇ ਨਾਲ ਨੇ ਮੁਸਤਫਾ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਵੀ ਬੰਨ ਲਈ ਆਪ ਨੂੰ ਹੈਦਰੇ ਕਰਦਾ ਜ਼ੁਲਫਿਕਾਰ ਤਲਵਾਰ ਹੀ ਪਕੜਾਈ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਕਰਬਲਾ ਚ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗੇ ਮੇਰੇ ਇਮਾਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਵੀ ਅਬਾਸ ਜ਼ਰਾ ਠਹਿਰ ਜਾ ਗਾਜ਼ੀ ਅਬਾਸ ਆਪ ਨੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਹਜ਼ੂਰ ਬੇਜੇ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਆਪਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਜਾ ਵੀਰ ਅਬਾਸ ਚਲਾ ਜਾ ਗਾਜ਼ੀ ਅਬਾਸ ਕਦਮ ਉਠਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਮੇਰੇ ਇਮਾਮ ਨੇ ਫਿਰ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਫਰਮਾਇਆ ਅਬਾਸ ਗਾਜ਼ੀ ਅਬਾਸ ਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤੀਸਰੀ ਮਰਤਬਾ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਹਜ਼ਰਤ ਇਮਾਮ ਅਲੀ ਮੁਕਾਮ ਨੇ ਰੁਕਿਆ ਫਰਮਾਇਆ ਅਬਾਸ ਜ਼ਰਾ ਠਹਿਰ ਜਾ ਗਾਜ਼ੀ ਅਬਾਸ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਨਹੁ ਆਪਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹਜ਼ੂਰ ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ ਦਿਲ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਵੀਰ ਅਬਾਸ ਜਦੋਂ ਨਾ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਹਸਨ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀਰ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਤਾਂ ਵੀਰਾ ਜਾਂਦੀ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀਰ ਆਖ ਜਾ ਆਪਨੇ ਅਰਦ ਕੀਤੀ ਹਜ਼ੂਰ ਜੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਵੱਲ ਵੇਖਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਵੀਰ ਹੀ ਲੱਗਣਾ ਵਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਜੇ ਮਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਲਾਮ ਹੀ ਲੱਗਣਾ ਵਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਫਾਤਮਾ ਤੋਂ ਜ਼ਹਰਾ ਏ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਫਾਤਮਾ ਕਿਲਾ ਵੀ ਆਏ ਹਜ਼ੂਰ ਮੈਂ ਗੁਲਾਮ ਹੀ ਹਾਂ ਆਪਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜੋ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਬਸ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬਾਸ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਨਹੋ ਆਪ ਯਜ਼ੀਦੀ ਨਾਲ ਗਰਦਨਾ ਪੇ ਕੱਟਦੇ ਨੇ ਫਸਲ ਮੂਲੀ ਤੇ ਗਾਜਰਾਂ
गर्दना पे कट देने, आप सारे नहरे फिरात चले गए, सारे यजीदी को खत्म करके ना किताना चीर के नहरे फिरात चले गए। आपने अपने सवारी का मुंह नीचे किया, फरमाए पानी पी ले। सवारी अर्ज कर लगी, हुजूर असि वफादार हाँ, जब तक सकीना पानी ना पीवेगी आज कोई जानवर भी पानी नहीं पीवेगा। हजरत अब्बास ने चुल्लू बड़े अपने बूटा के करीब लाके आए तो सकीना दी प्यास याद आ गई, आपने पानी छट दिता। मुश्किला बढ़ के ना आप खेमे वाल आ रहे, खेमे वाल आंदे इब्ने ज़ियाद कह लगा अगर पानी का एक कतरा खेमे चला गया क्या माता कोई यजीदी पैदा नहीं होगा, इन इथे कतल कर दो, इथे खत्म कर दो वो। और जालिम यजीद वार किता तो हजरत अब्बास का एक कंधा डिग पिया, बाजू कट दिता गया। दूसरा वार किता सज्जा बाजू भी कट दिता गया। आपने मशकीला पकड़ के अपने दंदा च रख लिया, एक जालिम ने दूरों तीर मारिया, आपने मशकीले के अंदर जाकर लग गया, मशकीला फट गया, पानी डुल गया। सैयदा सकीना फरमाने ने ऐ अली असगर हुन रोले जिन्ना रो नहीं, पानी नहीं होना, दुआ कर मेरा चाचा वापस आ जाए, मेरा चाचा वापस आ जाए। जेरे वाले ओजालिम तीरां दी बारिश पे काट देने, सैयदा जैनब अपने वीर पे वीर वाल वेख रही ने, तो सैयदा जैनब रजी अल्लाह तआला ने फरमादिया ने एक ही शेर अली दा ते दुश्मन खबे सजे 360 जा बदन ते लगे तीर अब्बास नू वचे फिर सहमिया बिचों बोली जैनब ते वीर अब्बास नू सदे सा पानी पी पी रचे। आ फरमांदे ने वीर अब्बास जरा जल्दी वापस आ जा, ओ जालिमा ने शहीद कर दिया। कुतबे सिरे दे अंदर लिखा है कि 7 तीर आप अखियां च लगे सन ते 360 तीर आप दे सीने मुबारक ते लगे सन। जेड़े वेले गोड़े तो जमीन वाल आ रहे तो आपने अर्ज की या अदरिकनी हुसैन या अकी मेरे वीर हुसैन ने फरिया जे। हजरत इमाम अली मुकाम ने फरमाया वीर अब्बास अजे जावी ना तेरा वीर हुसैन पे आउंदा है, अजे जावी ना। हजरत अब्बास रजी अल्लाह तआला नो जमीन ते लेट गए, इमाम अली मुकाम ने जाके अपने वीर दा सर मुबारक उठा के अपने गोद अंदर रख लिया तो फरमाया वीर अब्बास अखा खोल तेरा वीर हुसैन आया। आपने अर्ज की हुजूर हाथ होंदे तो मैं खून साफ कर दा, मेरी अखियां तो खून है तो हुजूर आपने हाथ मुबारक दिन में अखियां नू साफ कर आ जे, मैं जांदी बार अपने वीर दी ज़ियारत कर जावां। आपने खून साफ किया, आखिरी बारी अपने वीर नू देखिया, आपने अर्ज की हुजूर जे मेरे बाजू होंदे ना तो मैं जफा मार दा, हुजूर मेरे बाजू ने मैं की करा, अपने बाजू दे नाल मैनू अपने सीने नाल लगाया जे। आप आखिरी हिचकी लई इंतकाल करके शहादत जामे शहादत नोश फरमा गए। आप जेरे वेले हजरत गाजी अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप दी लाश उठा के इमाम अली मुकाम खैमे वाले लाके आ जे ना, इतना जना मौला अली दा पुत्र है कि हजरत इमाम अली मुकाम वीर अब्बास ने उठाया, आप दा सीना ब सीना लगदा है, सीने नु सीना बैठा चोंदा है ते कदम ते पैर जमीन पे घसीट देन है, इतना जनाए अली दा पुत्र। उन्हें जालिमा ने उस वेले शहीद कर दिता। अल्लाह पाक मेरी तुहाडी हाजिर कबूल फरमान। आखिर दावा या अल्हम्दुलिल्लाह।